22 जून पे दो ऑक्शंस है, एक इंडियन मॉडर्न फाइन आर्ट्स का है और एक विंटेज इंडियन फिल्म मेमोरेबिलिया के ऊपर है. इंडियन फाइन आर्ट्स जो हमारा इतिहास है 100 साल में, से अनोखे आर्टिस्ट है जो धीरे धीरे दुनिया में अब उनका रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ता जा रहा है. गायतोंदे, हुसैन, रजा, सूजा, बर्वे, बाबा, अकबर पदमसी, स्वामीनाथन, गणेश पाइन, राम कुमार, जॉर्ज कीट, भूपिन कक्कर, आप देख रहे हो निकलस वोविक, नंदलाल बोस, अभिंद्रनाथ टैगोर, साइरस मुखर्जी, ये सारे नेशनल आर्ट ट्रेजर्स भी है और अब धीरे धीरे इनका जो समझ आ रही है लोगों को कि ये हमारे हेरिटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इनका जो काम है ये खाली एक एक्सक्लूसिव काम नहीं है. इनमें जो देश ने सवाल पूछे हैं 100 साल में कि आदमी की प्रॉब्लम्स क्या है, ऑन रूरल लाइफ, ऑन अडल्टरी, ऑन फैमिली लाइफ, ऑन लैंडस्केप, ऑन पीस, ऑन वायलेंस, ऑन लव, ऑन द नेचर, ऑन एब्स्ट्रैक्शन, ऑल द क्वेश्चंस, जो सारे सवाल आम आदमी पूछते हैं वही सवाल आर्टिस्ट पूछता है. लेकिन आर्टिस्ट का उसको जवाब देने का तरीका अनोखा होता है. लेकिन क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा एजुकेशन कम है, एक्सेस कम है, ये इनजस्टिस ज़्यादा हो गई है कि जो कॉमन मैन, मिडिल क्लास है, वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, खाली इलीट और एक्सक्लूसिव लोगों के लिए है. उसको बदलने के लिए 20 साल हमने बहुत ही कोशिश की है और धीरे धीरे एटीट्यूड बदल रहा है. इसलिए हमने फिल्म मेमोरेबिलिया को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि फिल्म का जो पोस्टर्स है, आर्ट है, फोटोग्राफिक स्टिल्स, शो कार्ड्स, ये आम आदमी से ही बना हुआ है. उनका सोचने का तरीका कि हमने कल आज और कल का पोस्टर देखते हैं, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, बबीता, एक तो मन में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या सोच आती है जब कोई जुबेदा में ये खालिद मोहम्मद ने बनाया था, ये शाहरुख ने कभी पेरिस के लिए बनाया था, वो राम और श्याम के आर्ट वर्क्स है, सिलसिला का 6 शीटर हो, हुसैन का 1961 का काम हो, राम कुमार का 72 का काम हो, इनका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं. तो ये सोचने का बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी सोचे कि ये हमारा इतिहास का हिस्सा है. इतिहास हमारी आइडेंटिटी बनाती है. हम जो देश के सोचते हैं कि हम इस मज़हब से है, इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अंदर का जो कलाकार है सब में है, सब में वो क्रिएटिव एनर्जी है, सब में वो कुछ बनाने का एनर्जी या इंटेलेक्ट है. उसको क्यों नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं. हम पूछते हैं कि गरीबी कैसे हटाते हैं. गरीबी एक ही चीज़ से हटती है, जब आदमी का अंदर का क्रिएटिविटी बाहर आता है. लेकिन हमारा जो सारा क्रिएटिव सिस्टम है देश में वो बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल बर्बादी से मरा हुआ है. उसे करप्शन है, मन का करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है. आप अपने मॉन्यूमेंट्स को देख लो, 36,000 मॉन्यूमेंट्स देश में है, सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स, हर मजहब का मॉन्यूमेंट. लेकिन क्या हो रहा है उनका, 100 मॉन्यूमेंट्स के लिए पैसा नहीं है, टूरिज्म के साथ मॉन्यूमेंट और भी खराब होता जा रहा है. तो ये सारा जो सिस्टम है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ऑक्शंस वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उसको फाइनेंशियल वैल्यू देते हैं, वो फाइनेंशियल वैल्यू से इंडिपेंडेंस होता है, वो इंडिपेंडेंस से धीरे धीरे कल्चरल इम्पोर्टेंस बनती है और देश का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बदल सकता है. तो ये लार्जर इंटेंट है. लेकिन छोटा इंटेंट ये है कि आप ये बेचो, पैसा किसी को दो और आगे बढ़ो. लेकिन ये समझने के लिए 20 साल लग गए और अब देश आगे बढ़ रहा है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है. वेल, बीइंग अ फिल्म पर्सन एज I'm so grateful to Neville Tully for all that he has done about preserving the history of Indian cinema. You know, in India, we are not very conscious of archiving what the good things we have done and our heritage. But Neville has taken the trouble quietly over all these years to collect this extraordinary, you know, exhibition that details so much of the past history of our cinema. So I'm deeply grateful, and I wish him and this exhibition
the auction every success. It's fantastic. It's fantastic. It's an honor to be here. I really thank Mr. Tulli. I was telling him when I entered, the day my film won the national award, that emotion is actually pretty much the same here today. To have this work here in this auction and have Mr. Tulli handle our career takes off from here. Well, this one's called Pain Forever. And my work is usually just purely emotion that comes out. I'm not trained, I'm not technically qualified with a degree in art, but my wife is, so you'll see a lot of technique in hers, and our styles are completely different. But I use most of the material that I find that she leaves behind. So I kind of sneak up behind her back and do my work, using her own, her materials. Well, Oceanama or Oceans is, I consider it's the most important organization, not in terms of only collection, but the respect that is given to all the objects, for example. Even the posters, for example, this poster, Silsila, is 14-seat poster, which is very rare now. But the respect that is given to every object, and how do we see that respect? The respect is seen through the way it is framed, the way it is preserved, the way it is even touched. I have worked in this organization. I know Neville very well. So it's very rare to find respect. All the artwork that you see here, the catalog, for example, catalog that you see, Ocean, exquisite. The way they are printed, the way they are designed, the layout, it's extremely interesting. It's not just auction house that I consider, that's the only thing, but it's beyond auction house. Auction house, as I know Neville, is to generate funds. And that money is regenerated into preservation. So this archiving is the most important thing that is being done. I am consultant curator for National Museum of Indian Cinema, which is national museum. And I know the importance of it being late, but still it's being given to the nation. Now this private enterprise, a private will, private drive that Neville has is just amazing. It's indescribable in the sense that the way he has collected. I was director of the film archive here, and I know the way it has been brick by brick. And there are many, many dreams that he is a dreamer. So let me hope that all these dreams are realized. I have done a documentary on Buddha. I've also made a movie called Banaras, which is based in Banaras, and Nasi's character played someone who is like based on Mahavatar Babaji. So the background, I wanted to do something which is very, very positive about Buddha, which is happy. And we always think that he left everything from the world, but was he happy or no? Actually, he was very happy because he was enlightened. So everything for him was a joy. So that's why I have the reds, and I have, there is a temptation, which is the kingdom, which is the flowers. So that's why I actually did this Buddha. I've done many, many Buddhas of different types. I think he's brilliant. I think he is a one-man show. This is needed for Bollywood, firstly. And there's no one in India who's doing it. He's the only one. So he's taking baby steps and all that. But I hope this multiplies into a world platform, you know, because you would know that Hindi movies run more than Hollywood in China. You know, we've beaten Hollywood in China. So our cinema is different and it can go world over. So I hope he goes universal also. You know? This exhibition is one place where you're not only transported to another era, but you're lost in it and you never want to come back. I think Ocean is doing a great service. It is telling us, reminding us what, in real terms, what our culture is, particularly our films. Our films, I would have thought until about 5, 7, 10 years ago, they were not only telling story, they were giving us a package. What later came to be known as Paisa Vasool. It was almost like our daily thali,
We wanted everything together. Oh, the way we live, you know, our residences, which is so different from the more developed Western countries, that there is a residential area, there is a mall, there's a bazaar, there is an industrial area, there's a railway station, etc., etc. We want everything around us. We want school, we want college, we want our temple, we want bazaar, everything together. And we want quiet, and we want family happiness, which is what our films are all about. So it's not merely transporting to another area, but reminding us what we stand for, what we Indians stand for, what we love. So Ocean is making us fall in love with ourselves once again. Well, I have always been a huge, huge follower of Ocean's endeavors. I consider Neville Tully not just a connoisseur, but one of the purest lover of art, a follower of art. And he's tried, he's done his best to showcase art in all forms, both popular, classical and contemporary, and make it accessible to people. You know, he's got that large heart to do that. I'm a big, big admirer of that endeavor. So I genuinely never miss an Ocean moment, whether it's a art collection, whether it's a poster collection, whether it's a cinema collection. And this is, of course, this has got a huge diversity of art. I mean, you can see a Hussein on one side, you can see a Manjeet Bawa in the center, and you can see the most iconic popular cinema posters of the 60s and the 70s, where contemporary art, fine art combined with popular art. So, you know, this is absolutely delectable for the art lovers. बहुत अच्छा है, अच्छा कलेक्शन है, ओल्ड कलेक्शन है, काफ़ी आर्टिस्ट पहले बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया फिल्म के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्किलफुल काम है, इसमें अच्छा ऑक्शन होना चाहिए और आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शन. वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. इट्स एन एक्सपीरियंस सीइंग ऑल द वंडरफुल आर्ट एंड the beautiful posters, the film posters, which I haven't seen for a very long time. What he is doing is amazing, and actually I'm his fan. Something beautiful, like my favorite five films were Mughal-e-Azam, Pakiza, Guide, Ganga Jamna and Maghribia. So I can see all those five films here. I think it's wonderful, and we're getting to see some really lovely work here. बहुत प्यारा लग रहा है और इनकी तपस्या है 20 साल का, और मैं बोलता हूँ इन्होंने एक हम लोग को जो दिया है, आर्टिस्टों को, लोगों को जो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और देख के इतना मन प्रसन्न हो रहा है कि गायत्रुंडी जी का पेंटिंग है, हुसैन साहब का है, ठक्कर जी का पेंटिंग है, यानी तमाम पेंटिंग. ओशियन एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ये है, और इन्होंने आर्ट के लिए जो दिया है, मैं बोलता हूँ कि अगर लोगों की, आर्टिस्टों की पहचान बनी है तो ओशियन के हिसाब से बनी है, जो इनकी खोज है. मैं तो इनके बारे में बहुत पढ़ा हूँ, नेवल जी के बारे में नहीं. इन्होंने, इनका एक त्याग है जो दिख रहा है,